हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष और आज नए वीडियो के साथ आया हूं। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एलजी की वॉशिंग मशीन। जी हां फ्रेंड्स, एलजी की वॉशिंग मशीन जो मेरे घर में आई है वही है, उसी की मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। आप यहां पे मॉडल देख सकते हैं और प्राइस सारे हैं आप मॉडल। तो चलिए इस ट्रिप को मैं काटता हूँ, और अभी मेरे पास यही है तो इसी से मैं काटता हूँ इसकी स्क्रीप को। चलिए इसे काटा जाए। और चलिए आइए इधर, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से और इधर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा वॉशिंग मशीन का कवर। और आप देख सकते हैं ये अभी पैक है। आपको मैं ये दिखाता हूँ इसे। अभी नहीं, मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि और क्या तैयार है। टाटा ना, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा एलजी का वॉशिंग मशीन। आपको मैं अंदर दिखाता हूँ। ये आप अंदर देख सकते हैं अंदर क्या। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये अंदर का बाकी सारी चीज़ें क्या क्या अंदर है, और आप देख सकते हैं कैसा लगता है। तो आगे से मैं आपको दिखा देता हूँ फेस इसका, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये 7 kg का है यहाँ पे। और आगे का डैशबोर्ड, ये है डैशबोर्ड, आप देख सकते हैं ये कैसा लगता है। और ये इंस्टॉलमेंट का मैं आपको फ्रेंड्स दिखा दूंगा, जब एलजी के सर्विस वाले आएंगे इंस्टॉलमेंट के लिए तो मैं आपको अंदर से अभी दिखा देता हूँ। जब इंस्टॉलमेंट वाले आएंगे तो मैं इंस्टॉलमेंट का भी आपको दिखा दूंगा कि इंस्टॉलमेंट कैसे होता है। आप देख सकते हैं सारे कुछ। और जब ये इंस्टॉलमेंट वाले आएंगे तो मैं उस टाइम आपको वीडियो दिखा दूंगा कि इंस्टॉलमेंट कैसे होता है। तब तक के लिए चलिए, तब तक के लिए मैं टाटा करता हूँ। तो आगे वाले वीडियो में मिलते हैं। कपड़ा में सिक्का पिन पेपर चेक करना चाहिए कि गलती से कोई कोई चीज ना चल जाए। फालतू चीज ना रहे, ठीक है ना। इसके बाद ये है कपड़ा डाल दिए, हाँ पूरा कपड़ा भरना नहीं है। 70% 30% एरिया खाली खाली रहेगा रख, मैक्सिमम, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ सर्फ डालना है, उतना ही डालना है जितना मशीन में जरूरत है, ठीक है। ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। ऑन करने के बाद में यहाँ पे ऐसा लाइट आएगा, यहाँ पे प्रोग्राम दिया हुआ है 1 और प्रोग्राम 2। टू प्रोग्राम 1 में बाय डिफॉल्ट नॉर्मल जल रहा है, तो नॉर्मल जल रहा है तो नॉर्मल कपड़ा के लिए है। अगर कपड़ा चेंजिंग है, मान लिया कि कपड़ा आपका ज्यादा गंदा है, तो टर्बो टर्बो वाश, तो ये वॉश, 1 को प्रेस करेंगे तो टर्बो वाश का बत्ती जल जाएगा, मतलब वो प्रोग्राम के लिए सफिशियंट है।
इसके बाद है क्विक वॉश, मतलब कम गंदा कपड़ा, 1 घंटा का पाना वह कपड़ा क्विक वॉश में आएगा। इसके बाद है बेडशीट धोने के लिए या जींस धोने के लिए स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग जीन्स। इसके बाद प्रोग्राम 2 में है नॉर्मल और प्री वॉश, यानी एक ही बटन में, यहाँ देख रहे हैं प्री हाँ वॉश दिख रहा है, हाँ यहाँ प्री वॉश नहीं लिख रहा है, तो इसमें नॉर्मल क्या होगा कि कपड़ा फुला के धोएगा। हाँ इसके बाद है एक बार रिजर्व में क्या होगा कि आपका कपड़ा सूखेगा नहीं, आपका खंगलाने का जो लास्ट का पानी है वो बचा हुआ रहेगा, हाँ ताकि उस पानी में दोबारा आप कपड़े को धो धो सके। सकें, ठीक है। इसके बाद है जेंटल, यानी ऊनी और सारी कपड़ा के लिए। फिर है टब क्लीन, टब की सफाई के लिए, ठीक है। तो जैसा जरूरत हो वैसा आप इसको प्रोग्राम को सेट करें जो आपको जरूरत लगता है। इसके बाद यहाँ देखिए सॉइल लेवल है, नॉर्मल गंदा के लिए नॉर्मल, ज्यादा गंदा के लिए हैवी, हैवी और बहुत ही कम गंदा के लिए लाइट। लाइट। तो जैसा जरूरत हो वैसा आप चेंज कर सकते हैं। ये इनलेट टेम्परेचर कोल्ड ही रहेगा क्योंकि गीजर के यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। हाँ तो जैसा जरूरत है वैसा इसमें आप कर सकते हैं। जैसे कि आप सुखाने के टाइम में कम सुखाना है तो लो, हाई ज्यादा सुखाना है तो हाई, तो जैसा जरूरत हो वैसा कर सकते हैं। लास्ट में स्टार्ट, पहले ऑन, फिर से बता दें ऑन, फिर हाँ प्रोग्राम, जैसा जरूरत है प्रोग्राम जो में से आपको जरूरत पड़े, और लास्ट में स्टार्ट। स्टार्ट, इतना ही करना है, ठीक है। इसके बाद जो टाइमिंग आएगा उतना हाँ टाइमिंग के बाद आ करके आप अपना कपड़ा को निकाल लें, निकाल सकते हैं। ठीक है। हाँ यही इसका प्रोग्राम है, इतना। इतना हाँ और ठीक है, अब मशीन ऑन कर, नल खुला हुआ है। हाँ चलो और हाँ ऑन करने के बाद में प्रोग्राम, नॉर्मल हाँ स्टार्ट। स्टार्ट, बस यही करना है। वहाँ चालू कर देना। चलो है, चलो चलो। तो फ्रेंड्स, आप आज के इस वीडियो में समझ ही चुके होंगे सारी चीज़ें। और एक मैं आपको टिप देना चाहूँगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी टिप है कि आप कोई भी वॉशिंग मशीन लेने जाएं तो आप उसका एक शटर का ध्यान दें। कोई भी वॉशिंग मशीन लीजिएगा तो आप जैसे ही उसका शटर डाउन कीजिएगा, आप देख सकते हैं ये स्मूथली ऑटोमेटिकली डाउन होता है। अगर मैं इसे छोड़ता हूँ, अगर मैं इसे ऐसे फेंकता भी हूँ, तो आप देख सकते हैं ये शटर कितनी अच्छी तरह से, देखिए कितनी अच्छी तरह से होता है। तो ये इसका आप ध्यान दें कि कोई भी शटर लें, मतलब वॉशिंग मशीन लें, तो इसे देख सकते हैं ये स्मूथली डाउन होता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये आपसे कीजिएगा तो ये बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और चलिए फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये मैंने वीडियो आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए किया था। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक दे दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही औसम वीडियोज़ लाते रहते हैं हमेशा। और चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।